तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर तुम यहाँ से देखोगे कि ये बच्चे जनरली डाउट में लेके आते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसमें एक सी लगा है, एक एल लगा है, फेज डिफरेंस बिटवीन द, ये कहता है सबसे पहले एल हटा दो। एल हटा दोगे तो क्या बचा? कैपेसिटर बचा और रेजिस्टेंस बचा। तो अगर कैपेसिटर बचा और रेजिस्टेंस बचा तो जो फेज डिफरेंस जो आ रहा, फाई वन जो आ रहा, फेज डिफरेंस फाई वन, उस फाई वन की वैल्यू पाई बाई थ्री आ रही है। तो अगर कैपेसिटर में पाई बाई थ्री आ रही है, अगर मैं कैपेसिटर के फेज डिफरेंस मतलब पॉजिटिव लेता हूँ, तो उसके बाद अब सी रिमूव करोगे तो एल और आर बचेगा, ठीक है, एल और आर बचेगा। तो ये जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई टू आ रहा है यहाँ पे, डेल्टा फाई टू, वो माइनस पाई बाई थ्री लूँगा, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर हम के जो फेज होते हैं वो अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो फाई नेट फेज डिफरेंस आ जाएगा वो फेज पाई वन प्लस फेज पाई टू को जोड़ दोगे तो पाई बाई थ्री, और यहाँ से माइनस पाई बाई थ्री, यहाँ से तुम देखोगे तो ये कट कुट के क्या आ गया, जीरो आ जाएगा, ये थ्री है, ठीक है ना, ये थ्री है। तो अब आ जाएगा पावर फैक्टर। तो जो पावर फैक्टर होता है, कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जब फेज डिफरेंस जीरो है तो कॉस जीरो वन, तो पावर फैक्टर वन आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन सही है। हमेशा इंडक्टर और कैपेसिटर अपोजिट फेज में एक दूसरे से बिहेव करते हैं, तो किसी एक का प्लस लोगे तो दूसरे का माइनस ले लो।